सभी हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है हिंदी सत्र में। सभी को नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी साथियों को। हम लोगों ने जो यात्रा शुभ स्वभाव है या प्रभाव वहां से समझने से शुरू किया था। इस क्रम में हम लोगों ने सुख को समझा, फिर मानव को समझा, मानव सेल्फ और बॉडी के को एक्सिस्टेंस के रूप में, फिर सेल्फ को इस कॉन्शियसनेस को और डिटेल में समझने का काम कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कल्पनाशीलता को समझने का प्रयास किया, V2 ब्लॉक को समझने का प्रयास किया, फिर V2 ब्लॉक के और जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं उनको समझने का प्रयास किया, चयन, आस्वादन, तुलन, विश्लेषण, चित्रण, इनके सोर्सेज को भी समझने का उससे पहले प्रयास किया कि जो कल्पनाशीलता का ब्लॉक है, या तो मान्यता से या संवेदना से या फिर ये सहज स्वीकृति से अर्थात V1 ब्लॉक से ऑपरेट होता है। फिर हम लोगों ने कल B1 ब्लॉक को भी समझने का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने चिंतन की क्रिया को, संकल्प की क्रिया को, बोध की क्रिया को, प्रमाण की क्रिया को और अनुभव की क्रिया को, इन 10ों क्रियाओं को कल समझने का प्रयास किया था और उससे जुड़े हुए कुछ ऑब्जर्वेशंस को करने के संदर्भ में ये असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर हुआ था। तो आप में से जो साथी लोग भी इस असाइनमेंट पर अपना ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं या कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करके हम लोग बात कर सकते हैं। जी, तो हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था कल कि जो B1 ब्लॉक है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो B1 ब्लॉक को हम लोगों ने इस तरह से समझा था कि स्पेस है और इकाइयां भी है। इकाइयां शून्य के सह अस्तित्व में उर्जित है, स्वयं में व्यवस्थित है, परस्परता में संबंध को पहचान रही है और निर्वाह कर रही है। इसी को कोएक्सिस्टेंस कहा था। तो स्पेस और इकाइयां दोनों का कोएक्सिस्टेंस है। तो ये बात और समझने का कोशिश किए कि अगर अस्तित्व में देखें तो पूरा प्रकृति समूह में अनंत इकाइयां है। अनंत इकाइयों को चार भागों में, चार ग्रुप में बांट सकते हैं। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। उसको देखने गए तो ये दिखता है कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था ये एक दूसरे के साथ परस्पर पूरकता का निर्वाह कर रही है, या दूसरी भाषा में कहे तो तीनों में सहअस्तित्व है। ये तीनों मानव के साथ भी, ज्ञान अवस्था के साथ भी परस्पर पूरकता का निर्वहन कर रही है। मानव भी इन सबके साथ परस्पर पूरकता पूर्वक ही जीना चाहता है, यही उसके साथ स्वीकृति है। उसको समझ पाता है तो ऐसा जीने का निर्णय ले पाता है, नहीं समझ पाता है तो कभी निर्णय लेता है परस्पर पूरकता से जीने का, और कभी शोषण करने लगता है, कभी उस पर डोमिनेंस करने लगता है। तो ये बात ध्यान में आई थी कि इकाई है, शून्य है, उसका सहअस्तित्व है। वही सहअस्तित्व प्रकृति में देखें तो चारों अवस्थाओं के बीच में परस्पर पूरकता के रूप में दिखता है। तो बाकी तीन अवस्थाएं तो सहअस्तित्व जो ये परस्पर पूरकता है उसका निर्वहन करते हुए आपस में भी जी रही है, मानव के साथ भी चल रहा है। लेकिन मानव को देखें तो मानव चाहता तो है बाकी तीनों के साथ भी परस्पर पूरकता का निर्वहन, लेकिन उसको समझा नहीं रहता है तो कर नहीं पाता। तो ये चारों अवस्थाएं भी परस्पर पूरक है और उस परस्पर पूरकता पूर्वक एक बड़ी व्यवस्था को बनाए हुए हैं, और हर इकाई भी स्वयं में एक व्यवस्था है। तो पत्थर भी अपने आप में एक व्यवस्था है, पेड़ भी अपने आप में एक व्यवस्था है, पशु भी अपने आप में एक व्यवस्था है, मानव भी अपने आप में एक व्यवस्था है। तो हर इकाई अपने आप में एक व्यवस्था है और परस्पर पूरकता पूर्वक एक बड़ी व्यवस्था में भी भागीदारी कर रहे हैं। अब उस बड़ी व्यवस्था को देखने जाते हैं तो उस बड़ी व्यवस्था में मानव के साथ हमारी कुछ निश्चित भागीदारी है, शेष अन्य अवस्थाओं के साथ भी कुछ निश्चित भागीदारी है, जो हमेशा एक जैसा हमें बना रहता है, जो बदलता नहीं है। तो देखेंगे
तो हम सम्मान के भाव के साथ जीना सहज स्वीकार करते हैं कि अपमान के भाव के साथ दूसरे मानव के साथ, तो ये सम्मान का भाव हमें सहज स्वीकार होता है। इस तरह से विश्वास के भाव के साथ कि अपमान या विश्वास के भाव के साथ, स्नेह के भाव के साथ कि द्वेष के भाव के साथ, ये जो बड़ी व्यवस्था है उसमें जो भागीदारी है, निश्चित भागीदारी है, उसको समझ पाना ये चिंतन की क्रिया। एक एक इकाई अपने आप में व्यवस्था है और मिलकर परस्पर पूरकता पूर्वक एक बड़ी व्यवस्था बनी हुई है, उसको समझने का काम बोध की क्रिया में है। पर स्पेस है, स्पेस में मैं भी और बाकी इकाइयां भी उर्जित हैं, स्वयं में व्यवस्थित हैं, परस्परता को पहचान रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, ये अनुभव की क्रिया में होना है, अस्तित्व का अनुभव। तो ये तीनों क्रियाओं को कल हम लोगों ने समझने का काम किया था। तो एक बार यह अनुभव की क्रिया में हम जागृत होते हैं, इकाई और शून्य के अस्तित्व का हमको अनुभव, तो हमारा हर निर्णय तो हम निर्णय जो जो भी हर निर्णय अस्तित्व के साथ जीने का ही लेते हैं, ये पूरे प्रकृति में व्यवस्था है। तो हमारा एक निर्णय बनता है कि हम भी व्यवस्था में ही भागीदारी करेंगे, तो इसी को संकल्प कह रहे हैं, पहले वाले को प्रमाण कह रहे हैं। तो इस तरह से कल हम लोगों ने B1 ब्लॉक को भी डिस्कस किया था, फिर B2 ब्लॉक पे भी बात हुई थी। एक बार अगर B1 ब्लॉक हमको स्पष्ट हो जाता है तो अब हमारी जो निश्चित भागीदारी हमको समझ में आई चिंतन क्रिया में, अब वही हमारे चित्रण क्रिया का आधार बनता है। तो उन्हीं निश्चित भागीदारियों का ही हम चित्रण करते हैं, उन्हीं को पूरा करने के लिए विश्लेषण और संतुलन करते हैं, उसी के लिए चयन आस्वादन करते हैं। तो B1 में देखें तो एक निश्चितता है, एक वही जब आधार होता है तो B2 ब्लॉक में भी एक निश्चितता आती है, और B1 और B2 ब्लॉक दोनों हार्मनी में आते हैं। उसी को बाहर व्यवहार कार्य और भागीदारी में व्यक्त करते हैं, मानव के साथ शेष प्रकृति के साथ पूरी व्यवस्था में। तो कल इतनी बात हुई थी, उस पर अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई ऑब्जर्वेशन है, तो हम लोग एक एक करके बात कर सकते हैं। उनसे बात कर लेते हैं। तो हम लोग इसको अगर देखते हैं तो उसको और आगे एक्सटेंड करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार जो B1 ब्लॉक में हमको इकाई है, शून्य है, शून्य के अस्तित्व में इकाई है, उसका अनुभव हुआ, उसके आधार पर जो पूरी प्रकृति में व्यवस्था है उसका बोध हुआ, और उस व्यवस्था में हमारी एक निश्चित भागीदारी है उसका चिंतन हुआ, और फिर उसके आधार पर हमारा चित्रण हुआ और B1 B2 ब्लॉक व्यवस्थित हुआ। उसी को हम लोग जब व्यवहार में व्यक्त करते हैं दूसरे मानव के साथ, तो हम भी हारमोनी में बने रहते हैं, हम भी सुखी रहते हैं, पर दूसरा मानव भी सुखी होता है, उसी को उभय सुख कहा। तो उसी को हम लोगों ने भाव के स्तर पर प्रेम का भाव से लेकर के विश्वास के भाव तक, या यूं कहें कि विश्वास के भाव से लेकर प्रेम के भाव तक उसका अध्ययन किया, कि दूसरा भी मेरे अस्तित्व के अर्थ में ही है, ऐसी स्पष्टता हो जाने को विश्वास कहा। हर एक व्यक्ति के साथ अस्तित्व है, उसको समझ में आ जाने को प्रेम कहा। तो ये सारे भाव हमें, जो सारे भाव हमें स्पष्ट होते हैं, हमारी जो भागीदारी है चिंतन में, उसके आधार पर हमारा B2 ब्लॉक व्यवस्थित होता है। उसको दूसरे मानव के साथ जब हम व्यक्त करते हैं तो हम भी सुखी होते हैं, दूसरा भी सुखी होता है, वही फिर अखंड समाज के आधार के रूप में बनता है, और धीरे धीरे हम पूरे समाज को एक अखंड समाज के रूप में देख पाते हैं, उस अर्थ में भागीदारी कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो शेष प्रकृति के साथ हमारी निश्चित भागीदारी है, वो जब हमको स्पष्ट होता है, उसके आधार पर हमारा B2 ब्लॉक व्यवस्थित होता है, तो कार्य में हम शेष प्रकृति के साथ उस निश्चित भागीदारी का निर्वहन कर पाते हैं, उससे
हम भी समृद्ध होते हैं, शेष प्रकृति में भी समृद्धि होती है, उसी को उभय समृद्धि कहा। फिर हम दूसरे मानव के साथ निश्चित भागीदारी और शेष प्रकृति के साथ निश्चित भागीदारी करते हुए पूरी व्यवस्था के ऊपर पूरी व्यवस्था को देख पाते हैं, जो ये परिवार व्यवस्था से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था तक है, उस प्रकृति समग्र के साथ। उसमें जो निश्चित मानव लक्ष्य है, हर व्यक्ति सही समझ सही भाव से युक्त हो, हर परिवार में समृद्धि हो, मानव सभी मानव एक दूसरे के साथ अभय हो और प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता हो, सहअस्तित्व हो। तो हम इन चारों मानव लक्ष्यों को परिवार व्यवस्था से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था तक सुनिश्चित करते हुए करने के लिए ध्यान दे पाते हैं, उस तरफ गति कर पाते हैं, तो उससे मानव लक्ष्य की पूर्ति होती है और धीरे धीरे परिवार व्यवस्था से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था तक एक समग्र व्यवस्था बनती है, जिसको सार्वभौम मानवीय व्यवस्था कहते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसी शिक्षा संस्कार अगली पीढ़ी को भी दे पाते हैं, तो वो भी इस तरह से उभय सुख उभय समृद्धि और मानव लक्ष्य की पूर्ति करते हुए जीने के लिए प्रयासरत होती है और अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी सजती चली जाती है। एक तरह से देखें तो दो छोर इसमें दिखाई देता है, एक तो अपने में अनुभव की क्रिया, एक छोर ये है तो शून्य है, शून्य में इकाइयां उर्जित है, स्वयं में व्यवस्थित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है उसका अनुभव, और फिर उसके आधार पर B2 ब्लॉक को व्यवस्थित होना, फिर वो व्यवहार कार्य और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में बाहर व्यक्त होना और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का सजना, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ते रहना, उसी को कहा मानवीय परंपरा। इसके फैलाव को इतना देख सकते हैं, तो दो छोर दिखाई देते हैं, तो स्वयं में अनुभव का छोर और फिर बाहर सार्वभौम मानवीय व्यवस्था का छोर, ये आउटसाइड एक्सप्रेशन है, और एक छोर फिर स्वयं में अनुभव होता है। जी जी भैया प्रणाम। नमस्ते भैया। जी जी भैया, बस थोड़ा चिंतन बोध अनुभव को थोड़ा सा और स्पष्ट चाह रहा था सर भैया। जी 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 चिंतन को हम लोग, और चिंतन बोध और अनुभव को तो अपने में समझने का कोशिश कर रहे हैं कि शून्य है, शून्य में इकाइयां उर्जित है, व्यवस्थित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, एक स्थिति ये है। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि पूरी प्रकृति है, उसमें चार अवस्थाएं हैं, एक एक इकाई स्वयं में व्यवस्था है और परस्परता में इस परस्पर पूरकता का निर्वहन कर रही है, और इस बड़ी व्यवस्था में मेरी कुछ निश्चित भागीदारी है। ये तीन जगह है, शून्य है, शून्य में इकाइयां उर्जित है, व्यवस्थित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, ये अनुभव की क्रिया में स्पष्ट हो रहा है। ये पूरी प्रकृति समग्र में एक व्यवस्था है, चार अवस्था में ये सभी इकाइयां हैं, हर इकाई अपने आप में एक व्यवस्था है और परस्पर पूरकता का सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ निर्वहन कर रही हैं, ये बोध की क्रिया में हमको स्पष्ट होता है। और इस बड़ी व्यवस्था में हमारी कुछ निश्चित भागीदारी है दूसरे मानव के साथ, से उस प्रकृति के साथ, उस निश्चित भागीदारी की स्पष्टता चिंतन की क्रिया में। जी 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 भैया जी तो इतनी बात है, तो हम लोगों ने अगर उस पर कुछ रिफ्लेक्शंस किए हैं तो उस पर चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग थोड़ी देर इस पर रिफ्लेक्शन करेंगे। भैया, जैसे ये बार बार हम सुनते हैं ये पर्टिकुलर यही स्लाइड, तो कई बार अपने साथ बैठते हैं तो ये सारा विचारों में चलने लगता है, ये सारा ही ऐसे कि हर इकाई शून्य में संपृक्त है ना, और इस ये विचारों में जब चलता है तो आराम में होते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि विचारों में इसका आस्वादन लेना, आराम में होना और दिख जाना, क्या ये विचारों से ही दिखेगा? तो मतलब ये कैसे प्रोसेस रहेगी कि रियलाइजेशन हो जाना और विचारों में ये सारी बात का चलना, इसको भैया समझना चाह रही थी।
जी, तो जब भी हम अपनी कल्पनाशीलता को देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि कभी उसमें सम्मान का भाव चल रहा है, कभी अपमान का भाव चल रहा है, और हम सम्मान के भाव को अपने विचारों में फैला रहे हैं तो उसका एक आराम मिल रहा है। लेकिन जब भी हम अपने भीतर कल्पनाशीलता में देख रहे हैं, अपने में इस प्रश्न को करते हैं कि कभी हमें सम्मान का भाव चल रहा है, कभी अपमान का भाव चल रहा है, तब हम उसको देखने की कोशिश करें कि हमको दोनों में से क्या सहज स्वीकार है, सम्मान का भाव या अपमान का भाव। तो हमें एक निश्चित उत्तर आता है कि हमको सम्मान का भाव सहज स्वीकार है, हमको व्यवस्था सहज स्वीकार, हमको सास्तित्व सहज स्वीकार है। तो ये जो निश्चित है, हमें जो ये निश्चित रह की चीजें जो सहज स्वीकार है, जिसमें एक निश्चितता है, जब उस पर फोकस कर रहे हैं तो एक तरह से हम ऊपर की क्रियाओं में फोकस कर रहे हैं। फिर उसको आप परस्परता में निर्वहन करने के लिए जब हम उसको फैला रहे हैं तो विचार के स्तर पर उसको फैला रहे हैं। तो दोनों जगह से अगर देखते हैं कि एक बार जब दूसरों के साथ परस्परता में निर्वहन करने के दृष्टिकोण से कुछ फैला रहे हैं, और एक अपने में कुछ निश्चितता और स्थिरता वाले भाग पर देख रहे हैं, तो दोनों जगह पर हम देखेंगे तो उस पर ध्यान दे सकते हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को। भैया बहुत दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी, आज समय मिला, आज मौका मिला, क्योंकि मैं लेट मतलब क्वेश्चन पूछ रही थी तो उस वजह से आपसे बात ही नहीं हो पा रही थी। भैया मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम कंटिन्यूअसली सुखी रहना चाहते हैं, और कंटिन्यूअसली सुखी ये सबकी चाहना है, और उस बेस पे अब चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे कि भाव के अगर गड़बड़ होता है तो समझ में आता है, दिखता है। मैं ये पूछना चाह रही थी भैया कि जैसे क्या होता है ना, आमतौर पे हम जैसे परिवार में जी रहे हैं या फिर ऑफिस में, तो चीजें चलती रहती हैं चलती रहती हैं। जब थोड़ा सा हमें समय मिलता है या हमें लगता है कि अभी खाली समय है, तो कई बार हम उस टाइम पे ऐसी चीजों को याद करते हैं कि जिससे हमें सुख की अनुभूति हो या जिससे हमें अच्छी सी फीलिंग हो। तो वो चीजें मतलब हर टाइम तो नहीं ध्यान आता, लेकिन जब ऐसा होता है कि हाँ आप थोड़ा सा बाकी कामों में व्यस्त नहीं है या आपका ध्यान बाकी जगह नहीं बटा हुआ है, तो उस टाइम पे वो चीजें ध्यान में आती है और फिर आप उससे सुख पाने की कोशिश करते हो, जैसे कोई गाना सुन लिया, किसी से बात कर ली, इस तरह से। तो उसको क्या कहेंगे भैया कि हम मतलब सुख की आशा के लिए किसी दूसरी चीज को ले रहे हैं या क्या भैया, ये थोड़ा मैं जानना चाह रही थी। भैया मैं अपनी जी बात रख भैया, पाई क्या? थोड़ा कम स्पष्ट हुआ मुझे आपका प्रश्न। एक भाग तो स्पष्ट हुआ कि आप ये कह रही हैं कि बाहर कुछ हम गतिविधि का तो कोई के बारे सोचते रहते हैं, उससे कुछ सुखी होने का प्रयास करते हैं। एक भाग तो स्पष्ट हुआ मुझे, बट इसमें एक भाग और आपका था इस प्रश्न में, वो मैं थोड़ा मेरे को स्पष्ट नहीं हो पाया, तो अगर एक बार फिर से उसको कह दे तो मैं दोनों को जोड़ के कुछ बात कह पाऊंगा। जी भैया, भैया तो यही कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि जब हम शांत हैं या जब हमारे पास ज्यादा चीजों में हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, उस टाइम पे थोड़ा सा हम रिलैक्स फील कर पा रहे हैं, या उस टाइम पे हम ऐसी चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा हमें सुख की अनुभूति हो, ये पूछना चाह रही थी भैया। जैसे हम उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि आप थोड़ा शांत है तो आप ऐसी चीजें करते हैं कि चलो आप गाना सुन लो या थोड़ा सा अपने बारे में सोच लो, या फिर अगर आपको कोई काम में अच्छा लगता है, आपको सफाई करना अच्छा लगता है तो आप वो कर लो, इस तरह से जानना चाह रही थी मैं। जी, तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ आपके दोनों प्रश्नों को, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम अंदर से थोड़ा व्याकुल रहते हैं तो बाहर की गतिविधियों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जब अंदर से जी थोड़ा भैया, आराम में रहते हैं तो हम अपने साथ और अधिक देर तक बैठ पाते हैं, अपने पर और ध्यान दे पाते हैं। आप ये बात कहना चाह रहे हैं? जी भैया ये बात कहना चाह रही हूँ, और उस टाइम पे फिर हम सुख के अलग अलग साधन या अलग अलग स्रोत ढूंढने की कोशिश करते हैं कुछ टाइम के लिए, जी, मीन्स कि कोई बात तो याद आ बाहर गई, की कोई जी भैया तो अगर बाहर के कुछ गतिविधियों से कोई संवेदना पाकर या भाव पाकर अगर हम सुखी होने के प्रयास कर रहे हैं, तो उससे अपने भीतर एक बेचैनी होती है, या तो अंतर्द्वंद के रूप में या फिर एक्साइटमेंट के रूप में, तो दोनों बेचैनी ही होती है। एक बार जब ये ध्यान में आता है कि हमारे भीतर भी सुख का स्रोत है, ये जो B1 ब्लॉक है, इसमें जो संबंध है, व्यवस्था है, सास्तित्व है, उसको जितना जितना मैं ध्यान देता हूँ, समझता हूँ, उतना उतना मेरा B2 ब्लॉक
उससे अलाइन होता जाता है और मेरे में एक हार्मनी होती चली जाती है। ये भी मेरे लिए सुखी होने का एक स्रोत है। तो जितना मैं इस पर ध्यान देता हूँ उतना बाहर की चीजें मेरे सुखी होने के लिए मेरे चाहने के अनुरूप व्यवस्थित ही हो, मेरे जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे ही चले, ये बाध्यता खत्म होती है और मैं ज्यादा और ठीक से अपने पर ध्यान दे पाता हूँ, अपने में चल रही कल्पनाशीलता पे, इस पूरे व्यवस्था में अपनी निश्चित भागीदारी को समझने पर, और ये जो पूरी पूरी जो चारों अवस्थाएं हैं, इतनी इकाइयां हैं, परस्पर पूरकता का निर्वहन करते हुए व्यवस्थित हैं और शून्य के अस्तित्व में उर्जित हैं, इन सब चीजों पर और बारीकी से ध्यान दे पाता हूँ और मेरा B2 ब्लॉक B1 ब्लॉक से और अलाइन हो पाता है। जितना इस काम को कर पाता हूँ उससे मैं आराम में आता चला जाता हूँ। मेरी हारमोनी की मैं अपने हारमोनी अपने में हारमोनी को देख पाता हूँ। तो बाहर की चीजों पे जो पहले मेरी इतनी निर्भरता थी, वो जब बाहर किसी के साथ कुछ ट्रांजेक्शन करना है तो उसको करता हूँ, बाकी सब उसको करते समय भी अपने भीतर के इस काम को जारी रखता हूँ, और जब बाहर ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा होता हूँ तो भी अपने भीतर इस काम को जारी रख पाता। तो अभी चूंकि भीतर वाले सोर्स का बहुत अभ्यास नहीं हुआ है, बहुत उस पर आश्वस्ति नहीं बनी है, इसलिए जब आराम में होते हैं आप तो आप उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन जब बाहर की चीजों से पर ज्यादा आप इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं, इसलिए उस पर इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो भीतर वाले को कम महत्वपूर्ण मानती हैं तो कम ध्यान देती है। दोनों महत्वपूर्ण है तो दोनों पे ध्यान हो सकता है। उसमें भी जो सेल्फ के भीतर चल रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो अगर अपने भीतर निष्कर्ष बन जाता है तो उस पर हम ज्यादा ध्यान दे पाते। जी। जी भैया, धन्यवाद भैया। तो भैया एक और चीज कहना चाहूंगी कि जो ब्लॉक B1 है और B2 है, तो पहले हमको B1 को अच्छे से मतलब समझना, जो अनुभव है, बोध है, चिंतन है, ये सारी क्रियाओं को अपने अंदर लेकर आना और उसके बाद फिर B2 में शिफ्ट होना। मैं सही दीदी बोल रही मैं हूँ क्या भैया कहता क्या? हूँ, दीदी पूरा अस्तित्व है ही, ये B1 जी और B2 ब्लॉक की दसों क्रिया हमारे भीतर हैं ही, उस पर ध्यान देना है ना, वो है ही, लेकर नहीं आना, वो है ही, उस पर ध्यान देना, उसमें जागृत होना है। भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते। जी भैया, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ थोड़ी कि आवाज अभी अभी थोड़ा डिस्टर्ब हुई आवाज भैया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम लोग B1 ब्लॉक में जी रहे हैं और B2 ब्लॉक, प्रिया दीदी, आपको आवाज साफ आ रही है क्या? ये मेरे कोई डिस्टर्ब आ गई? नहीं भैया, भैया की आवाज क्लियर नहीं है। जी हाँ भैया, गरम माइक्रोफोन अगर लगाए हो तो थोड़ा हटा के बात करके देखें। हाँ, अभी आवाज आ रही है। थोड़ा तो क्लियर हुआ भैया, बट बहुत कठिनाई हो रही है समझने में, फिर भी बोलिए, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं ये पूछ रहा था भैया कि अगर हम B2 ब्लॉक में जी रहे या B1 ब्लॉक में जी रहे, वो हम कैसे सेल्फ एक्सप्लोर करके पता चले कि हमारा फोकस B1 पे ज्यादा है या B2 पे ज्यादा है? मैं आपके प्रश्न को जितना समझ पाया मैं रिपीट कर देता हूँ, आप बताइएगा कि ठीक समझाऊँ कि नहीं। आप ये कह रहे हैं कि हम जब भी अपने पर ध्यान देते हैं तो कैसे इसका निर्णय करें कि हम B2 ब्लॉक पे फोकस ज्यादा है हमारा कि B1 ब्लॉक पे है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? हाँ भैया, ये वही प्रश्न है। जी भैया जी, तो अगर B1 ब्लॉक पे हमारा B2 ब्लॉक के साथ साथ B1 ब्लॉक पर भी ध्यान है, तो हमारी जो B2 ब्लॉक है, जो कल्पनाशीलता है, उसमें एक हार्मनी रहता है, एक निश्चितता रहता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने कल विचारों को देखें, कल्पनाशीलता को देखें, तो कभी उसमें स्नेह का भाव चल रहा होता है, कभी द्वेष का भाव चल रहा होता है, कभी संबंध के निर्वहन का भाव चल रहा होता है, कभी विरोध का चल रहा होता है। लेकिन एक बार अगर अपने B1 ब्लॉक में कल्पना जो चिंतन की क्रिया है उस पर ध्यान देते हैं कि हमको दोनों में सहज स्वीकार क्या है, स्नेह सहज स्वीकार है कि द्वेष सहज स्वीकार, संबंध सहज स्वीकार है कि विरोध सहज स्वीकार, तो एक निश्चित उत्तर पाता हूँ मैं। फिर वो आधार पर उसको फिर सुनिश्चित करने के लिए कैसे करूंगा पूरा, उस पर जब विश्लेषण करने जाता हूँ तो देखता हूँ कि B1 ब्लॉक में भी एक निश्चितता है, B2 ब्लॉक में भी एक स्थिरता है। तो अगर
B1 ब्लॉक के साथ साथ B2 ब्लॉक पर ध्यान दे रहा हूँ, तो B2 ब्लॉक में भी एक निश्चितता एक स्थिरता रहती है और दोनों में एक हारमनी रहता है। अगर B1 ब्लॉक पर ध्यान नहीं है तो B2 ब्लॉक में जो चल रहा है वो स्नेह भी चल सकता है, द्वेष भी चल सकता है, संबंध भी चल सकता है, विरोध भी चल सकता है, दूसरों के साथ सहयोग करने का भी चल सकता है, दूसरों पर डोमिनेट करने का भी चल सकता है। तो कुछ निश्चित नहीं रहता है कि दोनों में से क्या चला रहे हैं, और हम उसमें हारमनी में भी हो सकते हैं, डिसहारमनी में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर B1 ब्लॉक भी B2 ब्लॉक के साथ साथ हमारे ध्यान में है, दोनों पर फोकस हो, तो B2 ब्लॉक B1 ब्लॉक के साथ अलाइन होता जाता है, हम में एक हारमनी होती जाती है, हमारे भीतर से जो द्वंद है, कंट्राडिक्शन है, हम वो खत्म होते जाते हैं। जी 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 नमस्ते। जी नमस्ते भैया, नमस्ते। जी नमस्ते भैया। तो एक तो ये कि जब हम अपने आप को देखने जाते हैं तो 10 क्रियाओं के इस समुच्चय के रूप में दिखाई देता है, और उसमें से ये दिखता है कि 5 क्रियाएं जागृत करना है या 5 क्रियाओं में सामान्यतया हम लोग रहते हैं। तो जो ये चिंतन बोध अनुभव का जो है, जिन्हें जागृत करना है, एक बात तो जागृत ये होना है, जागृत, इसमें इसमें जागृत होना है भैया। हाँ जागृत होना है या जागृत करना है में कुछ अंतर है? वही मतलब अपने में होना है, अपने भीतर होना है। हाँ, या मुझे जागृत करना है इस क्रियाओं को? हाँ मतलब वो जी क्रियाएं हैं ही मेरे भीतर, है जी ना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, है ही, चली रही है, मैं सिर्फ उधर ध्यान नहीं दिया हूं, ध्यान नहीं दे रहा हूं। जी बिल्कुल इस ठीक बात अर्थ में जागृत होना है। है, जागृत होना। एक तो ये कि अनुभव बोध और ये चिंतन, ये कल्पनाशीलता का विषय नहीं है। यानी इसको अगर हम सोचें कि B2 ब्लॉक में विचार के आयाम में इसको हम सीधे सीधे देख नहीं सकते। मतलब एक तो मतलब मुझे लगता है कि ये बात हमें क्लियर रहे। जी किसको भैया? B1 ब्लॉक को? B1 को मतलब ये जो हम चिंतन बोध अनुभव कह रहे हैं, जिससे हम जागृत होना है, जिसे हम समझ का आयाम कह रहे हैं ना, ये विचार के आयाम यानी कल्पनाशीलता का विषय तो नहीं है ना ये? कल्पनाशीलता या तो उसके आधार पर चलती है या मान्यता और संवेदना के आधार पर चलती है। तो मेरे अंदर सम्मान के भाव से जीने का जो स्वीकृति है, या तो मैं उस सहज स्वीकृति के आधार पर इस कल्पनाशीलता को चलाता हूँ, या फिर अन्यथा मान्यता और संवेदना के आधार पर चलाता हूँ। तो या तो B1 के साथ B2 चला रहा हूँ, या B1 पर ध्यान दिए बिना मान्यता और संवेदनाओं के आधार पर चला रहा हूँ। इसीलिए कह रहे हैं कि B1 में निश्चितता है और B2 में अनिश्चितता का यही कारण है कि वो उधर से जी सहज स्वीकृत, जी यही भैया, कारण है अगर ना? B1 पर मैं जो चिंतन बोध की क्रिया में संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व की जो हमारे भीतर सहज स्वीकृति है उस पर ध्यान देकर जब उसके आधार पर चला रहा हूं, तो B2 में निश्चितता है, जी ठीक बात। तो अब अन्यथा ये या तो तो मैं मान्यता के आधार पर या संवेदना के आधार पर चला रहा हूं, तो B2 में निश्चितता होगी ही होगी, ये कह नहीं सकता, हो भी जी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर मान्यता जी सहज स्वीकार होगी, भले हमने जांच के नहीं देखा, तो हारमनी होगी, निश्चितता होगी, अन्यथा निश्चितता होगी। तो अब हम लोग मतलब आपके साथ मैं कंक्लूड ये कर रहा हूं कि जिस हम निश्चित मानवीय आचरण की बात कर रहे हैं, यानी जो हम आचरण को जब देखने जाते हैं जिसमें व्यवहार कार्य और भागीदारी है, तो वो निश्चित मानवीय आचरण तभी संभव है जब B2 ब्लॉक B1 ब्लॉक से के आधार पे चल रहा है, जहां निश्चितता है। जी भैया, अन्यथा जब तक बिल्कुल B2 भैया, ब्लॉक B1 ब्लॉक के एब्सेंस में चलेगा, तहां अनिश्चितता बनी रहेगी और वो अनिश्चित मानवीय आचरण ही समस्या का कारण है। जी
तो कल्पनाशीलता में संबंध और विरोध दोनों चलता रहता है, स्नेह और द्वेष दोनों चलता रहता है। इसलिए कभी बाहर किसी के साथ विरोध व्यक्त होता है, कभी संबंध व्यक्त होता है, तो उसमें एक अनिश्चितता बनी रहती है, दूसरे मानव के साथ व्यवहार में भी और शेष प्रकृति के साथ कार्य में भी। कभी मैं प्रकृति का बहुत ध्यान देता हूँ, कभी उसका एक्सप्लॉयट करता हूँ, उसको एक्सप्लॉयट करने लग जाता हूँ। कभी व्यवस्थाओं में जिम्मेदारी से पार्टिसिपेशन करता हूँ, कभी कहता हूँ भाई इस व्यवस्था से हमारा क्या लेना देना, सरकार देखे। तो जी ये अनिश्चितता बनी रहती है अगर हम जीवन ब्लॉक में जागृत नहीं है। तो जागृत होते हैं तो हमारी कल्पनाशीलता में जो हमारी निश्चित भागीदारी है वो उसके अर्थ में इस कल्पनाशीलता को लगाते हैं, और फिर दूसरे मानव के साथ व्यवहार से इस प्रकृति के साथ कार्य और पूरी व्यवस्था में एक निश्चित भागीदारी को पहचान कर करते हुए आगे जीते हैं, और अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था का वो आधार बनता है। जी जी बिल्कुल यही होता है। तो एक और बात पे हमारा जब ध्यान जाता है कि ये जो 10 क्रियाओं में 5 स्थिति क्रिया हैं और 5 गति क्रिया हैं, तो जो गति क्रिया है वो स्थिति क्रिया के अनुसार होता है, यानी कि जैसा हमारे में आस्वादन बना हुआ है उसी हिसाब से हम चयन करते हैं, जैसा जी तुलन जैसा बना हुआ है। आस्वादन बना हुआ है, जैसा आस्वादन बना हुआ है वैसा हम चयन का निर्णय लेते हैं। हाँ, चयन जैसा करते तुलन हैं। में दृष्टि बनी हुई है वैसे विकल्प जनरेट करने का निर्णय लेते हैं। जी जी, जैसा तुलन बना हुआ है उसी तरह विश्लेषण वैसा ही हम कर पाते हैं, जैसी दृष्टि बनी हुई जिसको आप कह रहे हैं। जी तो अब जब जैसे ही इसको और आगे बढ़ते हैं, तो चिंतन तो अभी हमारा जागृत हुआ नहीं है, और हम चित्रण जो डायनेमिक है, गति क्रिया है, इस वजह से वो ठीक नहीं हो पाता है। तो चिंतन की क्रिया तो हमारे भीतर है, लेकिन उस चिंतन की क्रिया में हमको क्या सहज स्वीकार है उस पर ध्यान दिए बगैर, है ना, हम कोई मान्यतागत तरीके से सुखी कैसे होंगे उसका एक चित्रण कर लेते हैं। उससे सुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसको जांचे बगैर ही। जी तो एक तरह से तो भी हम उसको जांचे बगैर वहां चित्रण कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी भले उस चित्रण को कितना भी फैला लें कि विरोध करके ही दुनिया जीती जा सकती है, उसी से हम सुखी हो सकते हैं, भले पूरी जिंदगी हम उसको फैला लें, लेकिन संबंध पूर्वक जीने की सहज स्वीकृति तो हमारे भीतर बनी ही रहती है। हम जब भी ध्यान देके अपने आप से पूछते हैं बाहर के दबाव प्रभाव से कि हमको संबंध सहज स्वीकार है कि विरोध सहज स्वीकार है, तो एक निश्चित उत्तर हम अपने भीतर पाते ही हैं, तो वो हमारे भीतर बना ही रहता है। हम ध्यान देते हैं या नहीं ध्यान देते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास है। जी बिल्कुल। तो अब एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है, वो ये कि जब हम कहते हैं कि इच्छा में बनी मेरी इच्छा मेरे में कि मेरा घर हो, तो घर का चित्रण एक पिक्चर बन जाती है, इस वाली जो गति क्रिया है हमारे इच्छा वाली चित्रण बन जाती है घर का। और उसको थोड़ा एक स्टेप और पीछे ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन भी होता है अपने भीतर कि मेरा अपना घर हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो मैं सुखी हो जाऊंगा उसका हमने चित्रण घर के साथ जोड़ के बना रखा है। बना रखा है, ठीक बात। तो अब चूंकि जो मटेरियल चीजें हैं, घर है, कार है, इनका चित्रण तो बन जाता है, और उसको हम मतलब उस तरीके से अपने समझने के लिए और किसी के सामने बात रखने के लिए रख पाते हैं। मान लीजिए हम आपस में बात कर रहे हैं परिवार सभा में, अब जी लेकिन किसी से कहा जाए कि संबंध या भागीदारी का चित्रण कि मैं उसके साथ ममता के भाव से जीना चाहता हूँ, वात्सल्य के भाव से जीना चाहता हूँ, अब इसका वो कहता है कि इसका मेरे में चित्रण ही नहीं बन रहा है, क्योंकि रूप भैया, उसमें जो का या गुण कंफ्यूजन का। है ना,
जी तो उसमें जो कंफ्यूजन है वो चित्रण क्रिया को जब हम खाली भौतिक वस्तुओं के चित्र से जोड़ लेते हैं हाँ, तो वहां से वो कंफ्यूजन अपने भीतर पैदा होता है। चित्रण क्रिया भौतिक वस्तुओं के चित्र से अधिक है। तो जी भौतिक वस्तुओं का जब चित्र बनाने का, चित्र के भौतिक वस्तुओं के साथ जब ट्रांजेक्शन करने का सोचते हैं तो उसका एक निश्चित चित्र को खींच पाते हैं, लेकिन सम्मान का भाव है ना, भागीदारी देखेंगे तो उस चित्र से ज्यादा है। जो गुण आप कह रहे हैं वो भी उस चित्र से, उस आकार से, उस आकृति से ज्यादा है ना। तो यहाँ जो चित्रण क्रिया है इसमें जो है भाव, भाव वाला भाग भी इसमें शामिल है, सम्मान का भाव, विश्वास का भाव, जो कि किसी भौतिक वस्तु के चित्र से से थोड़ा ज्यादा है। जी, इसी बात को थोड़ा हम लोग इस कन्वर्सेशन में और आगे बढ़ाते हैं कि किसी भी इकाई के जो समझने के लिए 5 डायमेंशंस हैं, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म और परम धर्म। क्योंकि स्वभाव, धर्म और परम धर्म ये चिंतन, बोध और अनुभव के स्तर पे ज्यादा स्पष्ट होता है और ये जागृत नहीं हो पाया है, इसीलिए हम रूप गुण कि जो भौतिक पदार्थ है उनके आधार पे तो आसानी से हम कर लेते हैं, लेकिन जो आपने कहा कि चित्रण केवल रूप गुण से ज्यादा है, यानी कि वो इकाई के इन 5ों आयाम को प्रदर्शित करता है और वो चूंकि बाकी 3 स्वभाव, धर्म और परम धर्म चिंतन, बोध और अनुभव का विषय है और वो अभी हम अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं, स्पष्टता नहीं हो पाती है, इसलिए चित्रण का वो हिस्सा अस्पष्ट न हो पाने की वजह से ये प्रश्न उठता है ना, कि कुछ और कहना इसमें और ऐड करना चाहते हैं। जी, तो एक तो वो हमने उसको अपने भीतर जांचा नहीं है तो वो स्पष्ट भी नहीं है, और उसकी जगह पर हमने कोई और चीज को सही मान लिया है। तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सम्मान के भाव को व्यक्त करने का है ना कुछ वो नहीं कर रहे हैं, हम अपमान, उसकी जगह हमको अपमान भी अगर हमको चलाना पड़ रहा है तो हम उसको चलाने लग जा रहे हैं, है ना। तो उतना तो है ही है जितना आप कह रहे हैं, पर उसमें इतना भी है कि उसके बहुत सारी ऐसी चीजें भी हमने मान रखी हैं बिना, जो हमको स्पष्ट नहीं हुई है, संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व, तो उसकी जगह विरोध, अव्यवस्था और संघर्ष से जुड़ी हुई भी बहुत सारी चीजों को हमने मान रखा है, जिससे हमारा चित्रण ड्राइव होता रहता है भी। जी, तो एक बार फिर वही जो चित्रण ड्राइव होता रहता है, वो फिर जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी कल्पनाशीलता, मान्यता और संवेदना से जो ड्राइव होती रहती है, जो समझ के अभाव में, उसी की तरफ आप इंगित कर रहे हैं। ठीक जी, है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बढ़िया। भैया आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। नमस्ते भैया, नमस्ते टू ऑल कॉल एक्सप्लोरर। भैया मैं 3 साल से आपको पता है कि कनेक्टेड हूँ ह्यूमन वैल्यू से, और पहली वर्कशॉप आपके साथ ही थी, तो जानकर अच्छा भी लगा कि आप मॉर्निंग मीटिंग भी ले रहे हैं। तो भैया मेरा क्वेश्चन एक ऐसे है कि जब मैं रिलेशनशिप में साथ निर्वाह करने जाता हूँ तो हमेशा राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग बनाने की कोशिश करता रहता हूँ, और कोशिश होती है ज़्यादातर कि ये नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ ही अलाइन हो। तो क्या भैया इससे मैं कह सकता हूँ कि मैं कंटेम्पलेट कर रहा हूँ, क्योंकि डिज़ायर्स और इमेजिनेशन भी अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर चलती रहती है, इसमें गाइडेंस चाहिए थी भैया। जी, तो जब भी मैं अपनी कल्पनाशीलता को देख रहा हूँ तो उसमें जो भी भाव मुझे दिख रहे हैं, मैं वहां पर दूसरे इकाइयों के दबाव और प्रभाव से होकर सहज रूप से मुझे उसमें क्या स्वीकार्य है उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे जो उत्तर मिल रहा है उस समय मैं कंटेम्पलेशन पे, तरह से चिंतन की क्रिया पर फोकस हूँ। फिर जब व्यवस्था पर ध्यान जा रहा है कि उस भागीदारी को करते हुए पूरी व्यवस्था पर भी ध्यान दे रहा हूँ तो बोध की क्रिया में मैं एक्टिव होता हूँ। फिर उसके साथ साथ पूरे अस्तित्व पे ध्यान जाता है कि स्पेस है, और स्पेस में परमाणु से लेकर पूरा ग्रह गोल तक सब ऊर्जित है, मैं भी ऊर्जित हूँ।
धीरे धीरे हम अनुभव की क्रिया के तरफ भी बढ़ते हैं। ठीक है भैया। तो भैया लॉन्ग लॉन्ग जर्नी है, आपने पहले भी बोला था कि 10 साल लग जाते हैं पूरी डिजायर्स को चेंज करने, तो लगे हुए हैं। शुक्रिया जी भैया। जी नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। भैया ये जब मैं इस पूरे प्रोसेस को देख रहा हूँ तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारी कल्पनाशीलता होती है और जब जरूरत होती है तब हम व्यक्त होते हैं अपनी कल्पनाशीलता के आधार पे, है ना। और इसमें ये जैसे जब मैं ह्यूमन बीइंग के साथ व्यवहार करता हूँ तब तो ठीक है, हमारे भावों के ऊपर हमें ध्यान देना है। वर्क जब हम लोग करते हैं शेष प्रकृति के ऊपर तो उसमें भी हमारा एक भाव छुपा रहता है, लेकिन जब ये पार्टिसिपेशन वाला जो पार्ट है ना, इन लार्जर ऑर्डर, ये क्या ये लार्जर ऑर्डर क्या ये प्रकृति का भाग नहीं क्या? इसमें क्या वो जी रिलेशनशिप और ये सब उसमें इंक्लूड नहीं है, या फिर ये कुछ पार्टिसिपेशन क्लैरिटी के लिए जरूरी है कि ये लार्जर ऑर्डर क्या है तो लार्जर ये ऑर्डर चीज? को देखने जाए तो ये जो पूरा अस्तित्व है ना, उसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिट्टी, पानी, हवा और सभी मानव, तो ये पूरा एक बड़ी व्यवस्था है। तो इस बड़ी व्यवस्था में मैं भागीदारी जो कर रहा हूँ वो किस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ, एक तो उसकी स्पष्टता। तो किस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें जो मानव है, जितने भी मानव है इस पूरे प्रकृति में, हर व्यक्ति में सही समझ, सही भाव सुनिश्चित हो जाए। हर व्यक्ति अपने भीतर ध्यान देकर, अपने स्वभाव को समझ कर, अपने में सही समझ और सही भाव को सुनिश्चित कर सके। और फिर हर परिवार के लोग आपस में अपने में ध्यान देकर अपने परिवार की आवश्यकता को पहचान सके, उससे अधिक को सुनिश्चित करने के लिए स्किल्ड हो सके और अपने परिवार में समृद्धि को सुनिश्चित कर सके। और दूसरे मानव भी उनके सहअस्तित्व में है, दूसरे मानव के साथ भी उनका जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो सुखी करने का ही है, दूसरे का भी सुखी करने का है, ये ध्यान आ जाए तो हर व्यक्ति के साथ विश्वास का भाव हो सकता है, जिससे परस्परता में, समाज में अभय एक लक्ष्य के रूप में मैं पहचान पाता हूँ। और फिर इस पूरी प्रकृति के साथ मैं परस्पर पूरक होकर जीने को, सहअस्तित्व में जीने को, सहअस्तित्व पूर्वक जीने को एक चौथे लक्ष्य के रूप में देख पाता हूँ। तो इस चार लक्ष्य को देखता हूँ। उसको दूसरे ढंग से ऐसे भी देख सकता हूँ कि सेल्फ एक रियलिटी है इस एग्जिस्टेंस में, मटेरियल भी एक रियलिटी है। तो जो चैतन्य है उसके लिए सही समझ, सही भाव, जो मटेरियल है उसके लिए और आवश्यक सुविधा की पूर्ति, उसको समृद्धि, एक चैतन्य दूसरे चैतन्य के साथ कैसे जिएगा, तो उसको अभय, और जड़ का जड़ के साथ है ना, या फिर अंतत्वगत पूरे को ही फैला के देखते हैं, पूरी प्रकृति समग्र के साथ, तो उसमें जड़ चैतन्य दोनों ही आ जाते हैं, तो उसमें परस्पर पूरकता और सास्तिक। तो एक तरह से पूरी व्यवस्था में ये चार लक्ष्य हमको स्पष्ट होते हैं। फिर उस चार लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम कोई एक सिस्टम बनाते हैं। तो अभी जो पांच तरह के सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, कि शिक्षा संस्कार से हर व्यक्ति का ध्यान उसके स्वभाव पे जा सकता है, वो अपने में सही समझ, सही भाव को सुनिश्चित कर सकता है। स्वास्थ्य संयम से हर व्यक्ति अपने शरीर के लिए आवश्यकताओं को पहचान सकता है, उत्पादन कार्य से उसको पूरा कर सकता है, तो परिवार में समृद्धि हो सकती है। न्याय क्या है, उसके लिए कौन कौन से भाव को अपने भीतर ध्यान दे के समझना होगा, इस पर जब ध्यान जाता है कि ये भाव हमको सहज स्वीकार है, तो हम उसको अपने में सुनिश्चित करके खुद हारमनी में आते हैं, दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं, वो भी हारमनी में आता है, इसको न्याय कह रहे हैं। न्याय सुरक्षा के साथ, सुरक्षा में देखेंगे तो हम अपना भी ध्यान रख पाते हैं, शेष प्रकृति का भी ध्यान रख पाते हैं कि दोनों की समृद्धि हो। तो इस तरह से शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, न्याय सुरक्षा, विनिमय कोष, इस तरह की पांच हम लोगों ने सिस्टम बना रखे हैं, जिससे ये चारों लक्ष्य पूरे हो। तो एक तरह से ये चार लक्ष्य और पांचों कार्यक्रम को परिवार व्यवस्था से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था तक पूरे प्रकृति समग्र के साथ उस पर ध्यान देकर उसको करना, एक तरह से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है, जिसका जिससे मानव लक्ष्य की पूर्ति होती है और धीरे धीरे हम सार्वभौम मानवीय व्यवस्था की तरफ गति कर पाते। तो ये उसका एक्सपेंशन है भैया।
धन्यवाद भैया, बहुत क्लैरिटी हुई। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी क्वेश्चनर को। सो भैया, जो अभी एक क्वेश्चन भैया ने पूछा था कि हमारे चित्रण में जो विश्वास या फिर जो सारे भाव 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 वगैरह हैं, ममता वात्सल्य वगैरह के भाव, तो ये चित्रण में हमारे आता नहीं है, तो इसका क्या मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारी फीलिंग्स में रहता है, और ये जो फीलिंग का पोर्शन है तो ये हमारे चिंतन वाले जीवन प्रक्रिया में आएगा क्या? भैया, जैसे आप अपने आप से पूछे हैं कि दूसरे मानव के साथ है ना संबंध का भाव आपको सहज स्वीकार है कि विरोध का भाव सहज स्वीकार है, तो आपको अपने भीतर एक उत्तर मिलता है। तो ये उत्तर तो आपके भीतर पहले से बना ही हुआ है ना, तो जो ये उत्तर आपके भीतर बना हुआ है वो चिंतन क्रिया में बना हुआ है। अब आप जो चित्रण कर रहे हैं कि दूसरे आदमी के साथ मैं कैसे जीऊं, क्या व्यक्त करो, संबंध का भाव में जीव, विरोध के भाव में जीव, तो ये जो चित्रण कर रहे हैं जिस समय, वो आपकी चिंतन क्रिया में जो निश्चित है उसके आधार पे भी आप करते हैं। कई बार उस पर ध्यान दिए बिना कि सामने वाले को जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, ऐसी कोई मान्यता आपके भीतर बनी रहती है, उस मान्यता से भी प्रेरित होकर आपका चित्रण होने लगता है और पूरे विरोध के को ही फैलाने का तुलन, विश्लेषण, चयन, आस्वादन हम करने लग जाते हैं। तो एक तरह से ये पूरा B2 ब्लॉक ही एक तरह से मान्यता से ऑपरेटिव हो जाता है। लेकिन उस प्रक्रिया में भी देखें तो कितना भी विरोध आप अपने भीतर चला रहे होते हैं, उस स्थिति में भी अपने आप से जब पूछते हैं कि सहज रूप से मुझे क्या स्वीकार है, बिना दूसरे के दबाव प्रभाव को मैं आए अगर सोचूं तो मुझे क्या सहज स्वीकार है, तो वो उत्तर निश्चितता में आप में बना ही रहता है। तो चिंतन की क्रिया अपने चिंतन की क्रिया में मतलब एक तो है ही उसमें वो संबंध का जो से जीने की सहज स्वीकृति है वो आप में बनी ही रहती है। बस अंतर इतना है कि आप उस पर ध्यान दिए बगैर किसी मान्यता से आप B2 ब्लॉक को ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी समय आप अपने भीतर ठीक से अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान देते हैं तो जो कुछ भी आप चला रहे हैं वो उससे प्रभावित हुए बिना आपको सही सही उत्तर अपने भीतर मिलता है, तो वो अपने में बना ही रहता है। जी तो भैया, मैं मान सकता हूँ कि जो हमारे भाव हैं वो बेसिकली हमारे चिंतन की प्रक्रिया क्रिया है, और वो हमें वो मेरे अंदर हमेशा बना हुआ है, बस तो उसे कौन उसे सा मुझे भाव पहचानने की हमें सहज जरूरत है। स्वीकार है? जी, कौन सा भाव हमें सहज स्वीकार है? चिंतन की क्रिया में वो हमको स्पष्ट हो जाता है, वो हमें बना ही रहता है। तो वैसा जीने का हम बाहर चित्रण कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये चॉइस हमें बना हुआ है। अगर हम चिंतन की क्रिया में क्या स्वीकार है उसको ध्यान देकर चित्रण करते हैं तो वैसा करते हैं, उस पर ध्यान दिए बगैर चित्रण करते हैं तो अन्यथा चित्रण भी कर लेते हैं। जी, अभी मैं एक शेयरिंग जस्ट अपना रखना चाहता था। तो भैया, जस्ट ऐसा हुआ कि कल रात के टाइम एक घर में आर्गुमेंट हुआ, तो उस आर्गुमेंट में मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, काफी ज्यादा क्रोधित हो गया अंदर से। तो भैया, उसके बाद फिर मैं रियलाइज किया कि मैं मेरे अंदर से क्रोध ऑलरेडी हो रहा है, तो मुझे शांत रहने की जरूरत है। तो भैया, उस समय जो प्योर ऑब्जर्वर की स्थिति पर जाकर के मैं अपने आप को देख पाया, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं क्रोधित हो रहा हूँ। क्या भैया, मैं ये सही दिशा में अपने आप को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ? मतलब उस समय जब मैं क्रोधित हुआ, जी तो उस समय तो मैं नहीं देख पाया कि मैं क्रोधित हो रहा हूँ, लेकिन जब मैं उसके तुरंत बाद रियलाइज किया कि बहुत ज्यादा क्रोध अंदर से आ गया है और काफी ज्यादा शरीर वगैरह में हीट वगैरह भी पैदा हो गई है, सब मैं बहुत परेशान भी हो गया इस बात को लेकर कि इतना ज्यादा क्रोध बना हुआ है मेरे अंदर किसी के दूसरे के प्रति को लेकर के। थोड़ा जी इस तो पे गाइड कर ध्यान दीजिए। ध्यान दें तो अभी तो कुछ ऐसा भाव आपको भीतर आया जो आपको सहज स्वीकार, मतलब आप जो भी घटना घटी हो उसका विश्लेषण अलग से, लेकिन कुछ भाव तो ऐसा आप में चला जो आपको सहज स्वीकार नहीं था और किसी मान्यता से या किसी संवेदना से प्रेरित होकर वो कल्पनाशीलता में चल गया, और कल्पनाशीलता पूरी तरह से डिसहार्मनी में आ गई, जिस कह रहे हैं कि आप एक अपने भीतर अव्यवस्था महसूस कर रहे हैं ना। वो अव्यवस्था कल्पनाशीलता में आने के बाद शरीर तक फैल गई, तो शरीर में उसके दुष्प्रभाव दिखने लगे, कंपन आने लगा, टेम्परेचर बढ़ गया,
वो जो अंदर विरोध था वो बाहर शरीर तक फैल गया। जब शरीर तक फैल गया तब हमारा ध्यान गया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जबकि ध्यान देंगे तो शरीर तक उसका प्रभाव आने से पहले कल्पनाशीलता में कुछ डिसहार्मनी हुई। तो अगर थोड़ा और हम अपने प्रति होश बढ़ाएंगे तो शरीर तक प्रभाव आने से पहले कल्पनाशीलता में ही कुछ ऊपर नीचे हो रहा है वो हमको ध्यान में आ जाएगा, है ना। और होश पूर्वक देखेंगे तो भाव के स्तर पे ही, जब हमारा भाव का ही ऐसा हम भाव ही बिगड़ रहा है, जो सहज स्वीकार भाव नहीं है उसका अन्यथा कुछ चित्रण कर रहे हैं, जिस समय हम ये कर रहे होंगे उसी समय हमारे में हमको ध्यान आ जाएगा। और होश पूर्वक देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि मेरे को सहज स्वीकार क्या है ना, संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व अर्थात बी1 ब्लॉक में जो ये तीनों क्रियाएं हैं उसमें क्या क्या को सहज स्वीकार है वो हम देख पाएंगे। और साथ साथ ये भी देख पाएंगे कि ये जो सहज स्वीकार है हमारी कल्पनाशीलता वैसी ही चल रही है या सहज स्वीकार कुछ और है, कल्पनाशीलता कुछ और चल रही है। तो हम इस बी2 ब्लॉक को इस बी1 ब्लॉक के साथ देख रहे हैं, है ना। तो ये जो बी1 ब्लॉक के प्रति होश में रहकर इस बी2 ब्लॉक को देख रहे हैं, है ना, एक तरह से धीरे धीरे अब हम प्योर ऑब्जर्वर के जगह पर पहुंच रहे हैं। मेरे को तो इतनी प्रक्रिया ध्यान में है। जी जी भैया, मतलब थोड़ा ध्यान आ जाता है। धन्यवाद भैया। भानु भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते सर दीदी। सर, जब हम व्यवहार करने जाते हैं तो हम उस व्यवहार में अपने आप को एक जो हमारी जो क्रिया है व्यवहार क्रिया वो जल्दी फास्ट हो जाती है और हम नेचुरल सेप्टन तक, मतलब कि वहां तक पहुंच नहीं पाते और अपना खुद डिसीजन जल्दी ले लेते हैं और रिएक्ट हो जाते हैं, तो ये हमारी प्री कंडीशन हुई ना। जी जी दीदी, की कंडीशन है कि मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरा है, तो अभी दूसरे को सेटल करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने भीतर सेटल होने से। ये हमारा प्री कंडीशनिंग। ठीक से जांच के देखती हूँ तो ये पता चलता है कि मेरा सुखी दुखी होना तो मेरे भीतर जो क्रिया चल रही है उसके आधार पर हो रहा है। तो ये पता हाँ चलता है कि दूसरे को सेटल करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने में सेटल होना। अपने में सेटल होने का आशय यह है कि बी2 ब्लॉक में वही चले जो बी1 ब्लॉक में मुझे सहज, जो बी1 ब्लॉक है उसके आधार पर अर्थात जो मुझे सहज स्वीकार है अर्थात संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व ही मुझे सहज स्वीकार है, तो मेरी कल्पनाशीलता वैसी ही चल रही है या उसके अन्यथा चल रही है उसको देखकर सेटल करना दूसरे को सेटल करने से ज्यादा प्राइमरी और इम्पोर्टेंट काम है। ये अगर मेरे जांच में आ जाता है तो इसको सेटल करते हुए, इसको व्यवस्थित करते हुए, इसको ठीक करते हुए बी2 ब्लॉक को अब मैं दूसरे व्यक्ति को के व्यवस्थित होने में कैसे सहयोगी हो सकती हूँ वो मैं अपने तो विचार सर में ये चाहती। क्रिया को फिर अगर हम अपने में पूर्ण हो रहे हैं और नेचुरल सेप्टेबल के बेस पर हर डिसीजन ले रहे हैं तो वो तो ऑटोमेटिक आउटर तो हमारा अपने आप ही सही हो रहा है। जी, तो एक तो उसका लाभ, एक तो उसका जो प्रभाव, एक तो जो मतलब जो हम सहज स्वीकृति को देख के जो निर्णय लेके उसको फैला रहे हैं, तो एक तो कल्पनाशीलता हमारी व्यवस्थित होती है, हम हार्मनी में आते हैं जो आप कह ही रही हैं। और अगर हमारी जी कल्पनाशीलता संबंध के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, सहअस्तित्व के अर्थ में सज के चल रही है, तो व्यवहार जी कार्य और व्यवस्था में जब भी भागीदारी करने जाते हैं वही निकलता है, ये आप कह रहे हैं, यही कह रहे ना। जी 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 सर। तो सर इसका इसका हम लोग ना जो हमारी हम जब बिहेव करने जाते हैं ना उसमें हमें हर टाइम अपने आप को पूर्णता और हार्मनी में रखने से ही हम रिजल्ट अच्छे पा सकते हैं, यही एक कंक्लूजन निकलता है जहां तक अगर मैं समझ पा रही हूँ इस चीज को तो। उस कंक्लूजन को मैं इस रूप में कहूंगा कि दूसरे के साथ जब भी व्यवहार करने जा रहे हैं तो अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान रखना, और मेरी कल्पनाशीलता मेरी सहज स्वीकृति के आधार पर है या नहीं उस पर ध्यान रखना अर्थात संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व के अर्थ में मैं अपनी कल्पनाशीलता में जो भी चित्रण कर रहा हूँ, विश्लेषण तुलन कर रहा हूँ, चयन आस्वादन कर रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। इतने को ध्यान में रख करके दूसरे के साथ व्यवहार को सुनिश्चित करने जाता हूँ तो वो व्यवहार हार्मनी के अर्थ में ही होगा, दूसरे के व्यवस्था में आने में सहयोगी ही होगा, ये निश्चित है। इसमें जहां चूक जाता हूँ वहां अव्यवस्था भी हो सकती है और दूसरे को अव्यवस्था में लाने का मैं कारण भी बन सकता। जी तो इससे तो फिर एक अगर हम आम भाषा में इस बात को ले तो
तो वन ऑफ द एग्जाम्पल, हम पहले खुद खड़े हुए तो सब व्यवस्था अपने आप ही, वो तो व्यवस्थित है ही है। ये सही है ना सर, ये वर्ड, अगर मैं अपने आप को जांचू तो इस बेस पर। तो देखने जाएंगे तो पेड़ पौधे पशु पक्षी मिट्टी पानी हवा ये सब तो परस्पर पूरकता का आपस में निर्वहन करते हुए व्यवस्थित हैं। आदमी में भी देखें तो आदमी में भी सहज सुकृति है ही, उसका शरीर व्यवस्थित है ही, तो बहुत सारा आदमी में भी व्यवस्था है ही। लेकिन ये जो आदमी में चैतन्य पक्ष है, जिस तरह से मेरा जो सेल्फ है वो अपनी सहज सुकृति पर ध्यान नहीं दे रहा, अपने स्वभाव पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो डिसहार्मनी में कई चला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग इस धरती पर है जो अपने स्वभाव पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रभाव से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, तो कभी उसमें वो सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। जब असफल होते हैं तो अपनी बेचैनी को बाहर व्यक्त करते हैं, उससे बाहर अव्यवस्था होती है। तो ये बात तो ठीक है कि अगर मेरा कल्पनाशीलता पी1 ब्लॉक के आधार पर नहीं चल रहा तो उसके लिए मुझे अपने में काम करना होगा, लेकिन उसको करते हुए दूसरे लोगों का ध्यान भी उनके स्वभाव की तरफ चला जाए, वो भी अपने में सहज स्वीकृतिक भाव को देख सके और वो भी उसके आधार पर अपनी कल्पनाशीलता को व्यवस्थित कर सके, तो धीरे धीरे बाहर भी लोगों और लोग भी व्यवस्थित हो पाए। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है दीदी, मतलब अपने में काम करना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको करते हुए दूसरे भी इस दिशा में काम कर सके, हम उनके सहयोगी हो जाए, वो भी महत्वपूर्ण है। जी इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरा जी काम मैं तभी कर पाऊंगी जब पहला खुद में इसको कर पाऊं, तभी किसी का ध्यान दिला पाऊंगी। इस अर्थ में मैं अपने में भीतर इस काम को जारी रखूं, बाहर दूसरे का सहयोग कर पा रही हूं तो भी, नहीं कर पा रही हूं तो भी, उस अर्थ में आप ये कह रही हैं कि अपने में अगर काम ठीक हो जाता है तो हम बाहर दूसरों के साथ करने में और तत्परता और अच्छे तरीके से उसको कर पाते हैं। जी, यही बात कह रही हैं आप? हाँ बिल्कुल सही दीदी भैया। और इसमें हम स्वभाव जब बोलते हैं कि सुख स्वभाव है, तो ये हम उसका इननेट नेचर को डिफाइन करते हैं। अगर हम इंग्लिश वर्ड को दें तो ये ह्यूमन बीइंग का हैप्पीनेस इज इननेट नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये शब्द सही लगता है सर, जी, तो स्वभाव जो भी को अगर मेरा हम इनेट देखें। नेचर है, जो भी मेरा इनेट नेचर है, संबंध, व्यवस्था, सह अस्तित्व, सम्मान, विश्वास, स्नेह, ये सब मेरा इनेट वो नेचर है। इतने सारे सब बोल गए ना, अगर इनेट नेचर को और ऐसे धीरे धीरे पांचों वर्ड्स को बोले तो जरा ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। जी, तो जी जो सहज स्वीकृति है, जो वही इनेट नेचर है, और उसी को जी कह रहा है सहज स्वीकृति, संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व के अर्थ में। तो संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व ही हमारा इनेट नेचर है। विरोध, अव्यवस्था और संघर्ष ये इनेट नेचर नहीं है, ये कभी भी हमको सहज रूप से स्वीकार नहीं होता, दूसरे के दबाव प्रभाव में ये करना पड़ सकता है कभी हमको, लेकिन स्वीकार नहीं होता, करने के बाद भी बेचैनी रहती है, करते समय भी बेचैनी रहती वो अनहैप्पीनेस की स्टेट है ना। है। जी, उसी को हाँ कह रहे जी हैं डिसहार्मनी और अनहैप्पी। हाँ जी 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 धन्यवाद सर। नमस्ते, और सभी को समय हो चला है तो